सो अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो गेट कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास बेसिकली 13 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, 13 मेजर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर बेसिकली उनको कंबाइंड करके हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके पास सी प्रोग्रामिंग, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अब इसमें देखिए, आप जो सबसे पहला सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, सो जनरली जब गेट का ऑफिशियल सिलेबस जब रिलीज होता है तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स को एज ए सिंगल सब्जेक्ट ही दिखाया जाता है, इसको दो अलग अलग सब्जेक्ट से दिखाया नहीं जाता। बिकॉज जो दोनों सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा इंटर रिलेटेड है कि उनको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। देखो, इन तीनों सब्जेक्ट में डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ता हूँ तो इसका मतलब है ये मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट को पढ़ना चाहता हूँ, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं या बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है। जैसे सी लैंग्वेज में फॉर लूप कैसे काम करता है, अरेज कैसे काम करते हैं, मेमोरी कैसे अलोकेट होती है, तो वो सभी चीज़ें हमारी सी प्रोग्रामिंग में आएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स, और डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि हम कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स को बना के हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जोड़ दें जिससे कि हमारी लैंग्वेज और ज़्यादा पावरफुल बन जाए, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ों को हम ऐड कर सके। और जब हम एल्गोरिथम में आते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या फिर हम किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे प्रोग्रामिंग से सॉल्व किया जाए, हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, गेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। अब गेट के एग्ज़ाम के सिलेबस है पहले भी काफ़ी बार चेंज हो चुका है, आई मीन टू से इन 2007 से पहले जो गेट का एग्ज़ाम था उसके वो 150 मार्क्स का था, और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी थे जैसे कि हमारे पास फॉरट्रैन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर 2007 के बाद गेट एग्ज़ाम का एक पैटर्न है वो चेंज हुआ, पैटर्न चेंज होने के बाद जो एग्ज़ामिनेशन है उस वो आपने 100 मार्क्स का हो गया और उसके अंदर से कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो हटा दिए गए, आई मीन जो सब्जेक्ट्स आउटडेटेड हो चुके थे। फिर उसके बाद 2012-13 के बाद जब एग्जामिनेशन आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन हुआ तो 2014 और 15 में उन्होंने एक और पैटर्न के अंदर चेंज किया कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में उसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके 50% क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और 50% क्वेश्चंस होंगे फिल इन द ब्लैंक्स। और फिर आपका गेट 2015 के बाद एक और चेंज आया सिलेबस के अंदर कि उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को हटा दिया, जैसे कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट गेट के अंदर नहीं रहा, उसके अलावा वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट था या इंफॉर्मेशन कोडिंग थ्योरी सब्जेक्ट था वो भी गेट के सिलेबस में नहीं रहा, और फिर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिससे हट गए और कुछ टॉपिक्स भी हट गए, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स में से आपका CSE में CD एक टॉपिक था, टोकन रिंग एक टॉपिक था वो हमारे पास हट गया। फिर आपके पास अगर आप एल्गोरिथम में जाएंगे तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस आती हैं जिसके अंदर हमारे पास P और NP कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस भी हमारे सिलेबस के से निकल गई। तो कुछ मेजर चेंजेस हुए सिलेबस के अंदर और कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया, और मैथमेटिक्स में से भी काफ़ी हमने सिंप्लीफाइड टॉपिक्स को कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी थी। तो 2015-16 के एग्जामिनेशन में गेट के सिलेबस में से काफ़ी टॉपिक्स को हटा दिया गया ताकि हम एग्ज़ाम को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख सकें और ऐसी चीज़ों को एग्जामिनेशन में वो पूछ सके जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है। अब देखिए, हमारे सिलेबस में जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट्स में यहाँ पर बताया, अगर आप चेक करेंगे सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो एग्जामिनेशन के अंदर सी प्रोग्रामिंग लगभग 3-4 मार्क्स की आपके पास आती है। फिर जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है ये लगभग आपका 5-6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डेटा स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, और जो एल्गोरिथम सब्जेक्ट है यहाँ से लगभग आपके 7-8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एल्गोरिथम सब्जेक्ट्स में से आते हैं। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट की वेटेज देखें वो है सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, अगर आप तीनों सब्जेक्ट की वेटेज देखेंगे तो तीनों सब्जेक्ट इन टोटल आपके पास 16-18 मार्क्स के आते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो तीनों सब्जेक्ट है 21 मार्क्स तक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो रफली मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि 18-21, बट लगभग मेरे कहने का मतलब है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन का जो 20% पोर्शन है वो सिर्फ सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम सब्जेक्ट में से आता है। अगर आपने ये तीन सब्जेक्ट अच्छे से किए तब भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इजीली एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, पहला वो लोग जो बोलते हैं हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखिए, जब एग्ज़ाम क्रैक की बात होती है तो क्रैक का मतलब क्या है,
क्रैक का मतलब तो ये भी तो हो सकता है कि सर गेट की कट ऑफ जो है 100 में से अगर आपने 25 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, यानी कि आपने गेट एग्जाम को क्लियर कर लिया, लेकिन क्लियर करना काफ़ी नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग जो बोलते हैं हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम, ज़्यादातर किस में ऐसा होता है कि उनके खुद के इतने अच्छे रैंक्स नहीं आए होते, उन ज़्यादातर जो आजकल जो काफ़ी न्यू टीचर्स हैं, काफ़ी जो लोग हैं जो यूट्यूब पर अब आ गए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मैंने पढ़ाया और मुझसे पढ़ के विद इन अ मंथ और सो विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे स्टार्टेड यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स। तो यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स जो है आप रिलायबल सोर्सेज से फॉलो करेंगे तभी बेनिफिशियल है, अगर आप किसी भी सोर्स से फॉलो करेंगे तो बेनिफिशियल नहीं है। तो पहली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम को क्रैक करने का मतलब क्या होता है और एग्ज़ाम में टॉप रैंक्स लेने का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पर जो आपको सिलेबस कवर करा रहा हूँ ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि क्रैक करना 25 मार्क्स लेना इज़ लाइक बच्चों का खेल। तो आप इजीली बच्चों का खेल है कि इजीली आप गेट के अंदर 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन की हो, सिर्फ 10 दिनों की प्रिपरेशन से आप गेट में 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो एग्ज़ाम क्रैक करना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि एग्ज़ाम के अंदर टॉप रैंक्स को कैसे लेके आया जाए। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आता है डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये जो तीन सब्जेक्ट थे इन तीनों को हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं बिकॉज ये तीनों की प्रिपरेशन एक साथ होती है। उसी तरीके से ये जो तीन सब्जेक्ट है इन तीनों की प्रिपरेशन भी लगभग एक साथ होती है। ये तीनों सब्जेक्ट मिलके 18 से 21 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट आपके पास आते हैं। अगर मैं सिर्फ डिजिटल लॉजिक की बात करूँ तो डिजिटल लॉजिक से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस डिजिटल लॉजिक के लॉजिक सब्जेक्ट से आते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो आपके 18 से लेकर 21 मार्क्स के आएंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आता है DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जो सब्जेक्ट है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस सब्जेक्ट में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 7 to 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो DBMS सब्जेक्ट में से आएंगे। और फिर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारे पास विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का सिलेबस भी काफ़ी लेंदी है, आई थिंक जितने भी सभी सब्जेक्ट हमने यहाँ पर मैंशन किए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट में से कंप्यूटर नेटवर्क्स आता है अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो। बट एनीवेज जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है यहाँ से 9 to 11 मार्क्स से क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में से आते हैं। उसके बाद आता है आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस बाकी ब्रांचेस से कम है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और मैथमेटिक्स है विच इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो अगर मैं दोनों सब्जेक्ट की बात करता हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को दोनों को कंबाइन करके ये दोनों सब्जेक्ट है ये 18 से लेकर 21 मार्क्स का जो सिलेबस है वो इन दोनों सब्जेक्ट में से आता है। अब आपके पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट बचता है 7 to 8 मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ से आएगा, और कंपाइलर डिज़ाइन जो सब्जेक्ट बचता है यहाँ से 2 to 3 मार्क्स का जो पेपर है वो कंपाइलर डिज़ाइन में से आएगा। तो अगर मैं इन दोनों सब्जेक्ट को देखता हूँ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन प्लस कंपाइलर डिज़ाइन, तो दोनों सब्जेक्ट में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 11 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आपका बचता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और जो एप्टीट्यूड रीजनिंग सब्जेक्ट है यहाँ से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स हैं, यानी कि 15% जो सिलेबस आपका वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग से बनता है। तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे देखिए 20% मार्क्स यहाँ से, 20% मार्क्स यहाँ से, टोटल आपके हो गए 40%, 20% मार्क्स यहाँ से, टोटल आपके हो गए 60%, और 15% मार्क्स यहाँ से, टोटल आपके हो गए 75%। अब आपके जो 25% क्वेश्चन बचते हैं अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो आपके जो 25% जो क्वेश्चंस हैं वो इन तीनों सब्जेक्ट में से आएंगे। तो गेट का जो सिलेबस है वो इसी तरीके से डिवाइडेड होता है, आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको स्किप करना है। ठीक है, देखिए गेट के एग्जामिनेशन के अंदर जो कट ऑफ है वो हमारे पास आती है 25 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसा हुआ है कि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट रेडिली अवेलेबल हो गया है, बहुत इजीली कंटेंट अवेलेबल हो गया है। तो इवन दो कंप्यूटर साइंस के अंदर पहले से कम बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपको पता होगा कि 2012 में जब मैंने पहली बार गेट का पेपर दिया था उस समय पर 2.6 लाख स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस का पेपर अटेम्प्ट किया था। फिर आपके पास 2013 के अंदर लगभग 2.3 लाख के आसपास स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, ऐसे 2014 के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे कंप्यूटर साइंस में 1.8 लाख के आसपास हो गए थे। तो पिछले कुछ सालों में जितने स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के अंदर जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है वो डिक्रीज़ हुआ है। अगर आपको याद हो तो 2016,
2017. So 2016 में 1.3 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और 2017 में भी 1.3 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 1.15 लाख के आसपास था. तो इतने बच्चों ने एग्जाम फिल किया था लेकिन 1.15 लाख ने एग्जाम दिया था. तो हर साल के अंदर जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि अब से ऐसा टाइम आने वाला है कि विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स जितने स्टूडेंट्स गेट का एग्जाम देने वाले हैं वो स्टूडेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट एग्जाम इन द फ्यूचर वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पर इवन तो आपके स्टूडेंट्स डिक्रीज हुए हैं लेकिन फिर भी आपके जो हायर स्कोरर मार्क्स हैं, जिसने ज़्यादा हाई स्कोर किया है वो इंक्रीज हुआ है. अगर आपको याद होगा तो 2017 में हमारे पास जो टॉपर थे, आई फॉरगॉट द नेम, हिज नेम वॉज एंडिंग विथ पटेल. ओके, यू कैन सी द वीडियोज इन आवर चैनल, तो उसकी वीडियोज आप टिप्स आप देख सकते हैं. तो इनके जो मार्क्स आए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 79 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे, ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 1. एंड देन यू रिमेंबर सचिन मित्तल, सो सचिन मित्तल के जो मार्क्स आए थे वो आपके पास 78 मार्क्स आए थे गेट के अंदर, लेकिन बिकॉज ऑफ आपके पास यहाँ पर उस समय पर अलग अलग सेशंस में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होते हैं, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन इनके 74 के आसपास मार्क्स हो गए थे एंड ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 33. ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको याद हो तो एक पर्सन है अर्पण मंगल, सो अर्पण मंगल के जो मार्क्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 73.74 पॉइंट समथिंग थे, सो अर्पण मंगल स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 29. तो आपको अगर टॉप रैंक्स के अंदर आना है तो आपको एटलीस्ट 80 मार्क्स को फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप टॉप 300 के अंदर आना चाहते हैं, टॉप 300 रैंक्स, तो टॉप 300 रैंक्स के लिए आपको एटलीस्ट 65 प्लस स्कोर करना पड़ेगा. अगर आप 100 से 65 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे तो आप टॉप 300 के अंदर आ पाएंगे. अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आपकी जो लड़ाई है, जो कॉम्पिटिशन है, वो बाकी स्टूडेंट से नहीं है. यहाँ पर आप बाकी स्टूडेंट से कम्पीट नहीं करेंगे, बट रेदर यहाँ पर आप मार्क्स के साथ कम्पीट करेंगे. तो आप जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी होगा एग्जामिनेशन के अंदर. ये स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, क्वालिटी बेस्ड एग्जामिनेशन है. जैसे कि अगर आप चेक किया होगा SSC CGL, तो SSC CGL जो एग्जामिनेशन है वो एक स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन है, जहाँ पर आपको ये देखना होता है कि कितने कम टाइम में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर टाइम आपके पास काफ़ी रहेगा. यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप कितने इंपॉर्टेंट यानी कितने क्वालिटी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कितने करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके पास आएंगी. तो इट इज़ नॉट अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, इट इज़ अ क्वालिटी बेस्ड एग्जाम. ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर आपको टॉप 300 रैंक्स में आना है तो एटलीस्ट आपको 65 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और अगर आपको टॉप 100 रैंक्स में आना है तो एटलीस्ट आपको 70 से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे. तो इतना आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. अब देखिए, अब क्या होता है कि आपके पास इस मार्क्स में आपको IITs किस रैंक में मिलेगी, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको टॉप 300 रैंक्स में आना होगा, तभी आपको IITs में आपको चांसेस मिलेंगे टॉप IITs के अंदर. और हमारे पास 8 टॉप IITs हैं जिसमें IIC बैंगलोर इंक्लूडेड है, तो आपको उन्हीं के अंदर वही आपका टारगेट है और वही आपको अचीव करना है. ठीक है, तो मेरा भी टारगेट वही है कि मैं आपको इस तरीके से प्रिपरेशन कराऊं कि आप एटलीस्ट टॉप 300 रैंक्स में तो आ ही सकें, वो सबसे कम रहेगा, और जो कंटेंट हम लोग डिलीवर करेंगे दैट विल द बेस्ट इन दिस केस. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो.